हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है, आप देख रहे हैं इसका यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नोट वीडियो एडिटर मोबाइल का एक आफ्टर इफेक्ट माना जा सकता है, उसकी मदद से हम लोग 3D कैमरा ट्रैकिंग का उपयोग करेंगे और टेक्स्ट में 3D इफेक्ट डालेंगे। वीडियो बनाने के लिए आपको एक फुटेज चाहिए और वो फुटेज कुछ इस प्रकार का होना चाहिए और साथ में ये स्टेबलाइज होना चाहिए, ज़्यादा सेकी नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में आप देख सकते हैं ये किस टाइप से एनिमेट हो रहा है, कैमरा जैसे जा रहा है साथ साथ में टेक्स्ट भी उसके साथ मूव कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले नोट वीडियो एडिटर को क्लिक करते हैं और न्यू में क्लिक करते हैं। अगर आप नोट वीडियो एडिटर से फैमिलियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता लीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता हो। दोस्तों, इस फुटेज को लेने के बाद हम लोग जाएंगे, एक टेक्स्ट लेंगे और जैसा जैसा मैं स्टेप कर रहा हूँ सेम आपको इसी टाइप का स्टेप करना है। और टेक्स्ट लेने के बाद आप चाहे तो इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके मेन ऑप्शन में जो कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें जाकर कैमरा में आपको ग्लोबल कैमरा में सेटिंग करना है और पोजीशन को आपको चेंज करना है। तो जिस टाइप का पोजीशन रखेंगे फर्स्ट फ्रेम में, मैं जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पोजीशन रखने के बाद टाइमलाइन का सबसे फर्स्ट फ्रेम में जाना है और यहाँ पर पोजीशन में की फ्रेम डालना है, जैसे कि मैं एक की फ्रेम यहाँ डाल दिया हूँ। फिर आपको आना होगा उस फ्रेम में जिस फ्रेम तक आपको ये एनिमेशन चाहिए, वहाँ तक आने के बाद फिर पोजीशन का जेड एक्सिस को चेंज करना है। चेंज करने के बाद कुछ इस प्रकार का ये दिखेगा। चलिए अब इसे प्ले करते हैं। परफेक्ट। अगर इसे अच्छे से एनिमेट करें तो ये और भी अच्छा और रियलिस्टिक दिख सकता है। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए एनिमेट करने के लिए, जिससे आप अच्छे से वीडियो बना सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस टाइप का वीडियो देखना है या फिर इसमें आपको क्या क्या समझ में नहीं आया। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप के ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।